नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुबह चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रवास पर पहुंचे और इस दौरान वो बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। तो जांजगीर चांपा में सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने इस बार कांग्रेस की सरकार आने पर प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और किसानों के साथ सभी वर्ग के लिए किए वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। चुनावी सभा में शक्ति विधानसभा के प्रत्याशी व्यास कश्यप और विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत की मौजूदगी में उन्होंने वादे किए। जांजगीर चांपा जिले की 3 विधानसभा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के भाले राव स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप को जिताने के लिए सभा से अपील के साथ साथ ही सरकार के किए गए 5 साल के कामों को भी उन्होंने गिना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की योजनाओं पर सवाल उठाए। महतारी वंदन योजना के पंजीयन को आड़े हाथ लेते हुए प्रदेश की महिलाओं को ठगने का आरोप उन्होंने बीजेपी सरकार पर लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के नेताओं पर कड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए चुनावी घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। 3200 रुपये देवो गए तो फार्म भरवाएं, 500 रुपये सिलेंडर देवो फार्म भरवाएं, नहीं भरवाएं, अभी भी नहीं भरवा। हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं भरोसा है? हाथ उठा बताओ, भरोसा है कि नहीं है? कांग्रेस ऊपर भरोसा है ना? चरण भैया ऊपर भरोसा है? जाज ऊपर भरोसा है? राम कुमार ऊपर भरोसा है? भूपेश ऊपर भरोसा है? भरोसा है तो बहनी मल्ला में जा देना चाहता हूँ कि लक्ष्मी पूजन के दिन परम दिन मैं एक उपहार बहनी मन पर बचा कर रखे रहे। वो उपहार के घोषणा परम दिन में करें कि कोई भी महिला हो, गृहलक्ष्मी हो, गृहलक्ष्मी मातारी भी है, गृहलक्ष्मी पत्नी भी है, गृहलक्ष्मी बेटी भी है, हम कोई भेद नहीं करें। सबला छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपया साल के तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी। तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी। बता दें कि टीकमगढ़ में पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी के श्रीवास्तव ने रैली निकाली। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी के श्रीवास्तव का चुनावी निशान टैक्सी है, जिसको लेकर उन्होंने टैक्सी रैली निकाली। बता दें कि टैक्सी की रैली की शुरुआत टीकमगढ़ के बीचों बीच स्थित गंजी फील्ड से शुरू होते हुए शहर के सभी मार्गों से निकली। इस दौरान के श्रीवास्तव ने बताया कि हमें जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे कि हम विजय होंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज, जहां बड़ी धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई गई। तो बिहार में धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई गई। गोवर्धन पूजा को लेकर गोपालगंज में भी सुबह सुबह महिलाएं और युवतियों ने गोबर से बने गोवर्धन भगवान की कलाकृति की पूजा की। महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से गीत गाकर गोवर्धन भगवान की पूजा की। बता दें कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं महिलाओं ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के बाद से सनातन धर्म शादी विवाह शुरू हो जाती है। इस अवसर पर गोपालगंज के विभिन्न जगहों पर गोवर्धन पूजा बड़ी ही धूमधाम तरीके से मनाते हुए लोग दिखाई दिए। मेरा नाम निभा कुमारी निभा रहे है। आज गोवर्धन पूजा है, हम लोग व्रत है, पूजा का व्रत का पूजा किए हैं, गोवर्धन का पूजा किए हैं। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि यही होगा तभी शादी विवाह बाल बच्चे का होगा और भैया भाई बहन का ये प्रेम का। मेरा नाम निभा कुमारी निभा रहे है। आज गोवर्धन पूजा है, हम लोग व्रत है, पूजा। तो गोपालगंज में महाछठ पर्व को लेकर भी बाजार सस्ते नजर आ रहे हैं और लोग महाछठ पर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में बांस से बने दाउरा और सुपली महत्वपूर्ण अंग। वहीं महापर्व के अवसर पर गोपालगंज के बाजारों में भी इसकी दुकानें सजने लगी हैं। महापर्व छठ पर बांस से बने सामान की मांग बढ़ने के साथ ही बांसफोड़ जाति के लोगों के चेहरे खिल गए।
मांग में तेजी आने से बांस से बने दौरा और सुपली का निर्माण में भी बांसफोड़ जाति के लोग तेजी से ला रहे हैं, जिससे कि समय पर वो अच्छे दामों पर उनको बेचकर अच्छी आमदनी कर सके। वहीं गोपालगंज के बांसफोड़ जाति की महिलाएं छठी मैया के गीत गाते हुए दौरा सुपली का निर्माण करती नजर आई। बता दें कि बांस से बने दौरा और सुपली के निर्माण कार्य में लगी महिला कारीगरों की माने तो पिछले साल की अपेक्षा में इस साल बांस की कीमत काफी बढ़ गई है और उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमने कहा मेहनत मजूरी ऐसे कुछ बुझाला ना आए ऐसा कर ऐसे सरकार करती जो हमने के अपन रोजी रोटी हमने के लागर 100 रुपया बेचा ऐसे जब आवे लग कार्तिकी छठ चैती छठ वही में करें हमने के 100 रुपया दौरी बेचा है ना मेहनत मजूरी हमने के कौन अथी फायदा नहीं हमने के सरकार ऐसा थी अमीर हो के चाहे गरीब हो के छठ पूजा में यह दौरी खरीद के ले जाला हमने के मेहनत। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां बड़ी ही धूमधाम से उराव पर मनाया गया। तो बगहा के रामनगर के दरदरवा अवरहिया शीतलबाड़ी समेत बाकी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ नयोगेला उराव पर्व मनाया गया। दरअसल आदिवासी उराव समुदाय के महिला पुरुष दीपावली से दूसरे दिन रात में आदिवासी पर्व नयोगेला पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। आदिवासी उराव समुदाय के महिला पुरुष दीपावली के दूसरे दिन इस पर्व को मनाते हुए नजर आए। उराव समुदाय के ग्रामीणों ने बताया कि ये पर्व उराव समुदाय के लिए एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। उराव पर्व के दिन इस समुदाय की महिलाएं चावल के आटे का पिट्टा बनाती हैं और लोगों में प्रसाद के रूप में बांटती हैं। वहीं उराव समुदाय के पुरुष मुख्य रूप से मांस मदिरा का सेवन करते हैं और इस पर्व का परंपरा से निभाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे कुल देवता प्रसन्न होकर हमें स्वस्थ और सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बगहा की, जहां पर सीओ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तो बगहा में सीओ के रिश्वत लेने का मामला सामने है। बता दें कि भैरोगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मझरिया निवासी सत्यप्रकाश पांडे ने सीओ पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। आरोप है कि सीओ ने गैर मजरुआ जमीन को गैर कानूनी तरीके से रिश्वत लेकर खारिज दाखिल की। इस मामले में रवि प्रकाश पांडे ने राजस्व मंत्रालय डीएम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच और सीओ की तरफ से की गई खारिज दाखिल को निरस्त करने के साथ इसमें शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। बता दें कि यह आरोप सीओ अभिषेक आनंद पर लगा है। लेकिन इसके बाद हम कार्रवाई का मांग करते हैं कि इसमें जो भी कर्मचारी सम्मिलित है उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर गलत तरीका से दाखिल खारिज किए हैं उनके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई किया जाए, गलत है तो, क्योंकि दोनों की जमीन बराबर है तो मेरा दाखिल खारिज कैसे रुक गया और लोगों का कैसे दाखिल खारिज कर दिए। और एक चीज़ और हम आपसे बताना चाहते हैं कि सीओ जो है इतना भ्रष्ट है ये बगहा एक सीओ क्या अभिषेक आनंद कि बगहा में रहते हुए और बेतिया में इतना संपत्ति अर्जित किया है कि हम आयकर विभाग को लेटर लिखे हैं कि इसकी संपत्ति का जांच किया जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं नवादा की, जहां बस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो। तो बिहार के नवादा में बस लूट की बड़ी वारदात सामने आई। ये सारा मामला बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के साई मंदिर का है। बताया जा रहा है कि 10 बदमाश आए और अपराधियों ने थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बस रुकवाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर लूट कर उन्होंने नवादा पुलिस को खुलेआम चुनौती भी दी। यात्रियों ने बताया कि सभी अपराधी हथियारों से लैस होकर बस के अंदर आए, फिर उन्होंने मोबाइल, पैसा, सोने की चैन, कान की बाली सब लूट कर फरार हो। लूट के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो नवादा के SP का मोबाइल रिसीव नहीं। उन्होंने दूसरे मोबाइलों पर भी फोन किया लेकिन किसी से उनकी फोन पर बात नहीं हो सकी, जिसके बाद आक्रोशित बस ड्राइवर ने सीधा बुंदेलखंड थाने के पास ही गाड़ी रोक दी, जहां यात्रियों ने उतरकर जमकर हंगामा किया। बुंदेलखंड थाना के प्रभारी SI ललन कुमार ने इस दौरान जानकारी दी और बताया कि बस में लूटने की घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई। हम लोग के यहाँ साईं मंदिर के पास बस लूटा गया, 10 आदमी था, कट्टा लिए हुए, पैसा ले गया, सब ले गया,
आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब टोटल ले गया कि बस में आने वहाँ आपको मंदिर के पास ही है जो सद्भावना चौक से जो उधर मंदिर है बगल में ही, वहीं पर ड्राइवर को सका दिया और ड्राइवर गाड़ी रोक दी और ग्राम में 10 गो लड़का जो था सो कटारा लिए। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इसमें एक किसान की मौत का मामला सामने आया है। तो गोपालगंज में छठ पूजा की सामग्री खरीदने के लिए घर से बाजार जा रहे बाइक सवार किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि ये घटना कुचियाकोट थाना क्षेत्र के बेलवा मोड़ के पास हुई। हादसे में एक महिला समेत बाइक सवार दो लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बता दें कि मृतक किसान की पहचान विश्वभमपुर के थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहानी गांव के निवासी प्रभुनाथ ओझा के रूप में हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की जांच में जुटी। गांव से छठ पूजा के सामान ले आया बेलवा गांव में, एने से मोटरसाइकिल जाते मार गया, इतना स्पीड किया जा रहा शायद वो एक्सीडेंट में घायल है। गोरखपुर से बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां एक बदमाश ने युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया। तो जांजगीर चांपा में बदमाश ने युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में युवक के चेहरे और सीने पर चोट आई, जहां घायल युवक को इलाज के लिए अकलतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बता दें कि ये सारा मामला कोटमी सोनार गांव का है। युवक बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जहां बीजेपी का पोस्टर लगाने के नाम पर दबंग बदमाश और युवक में विवाद हुआ था, जिस पर दबंग बदमाश ने युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां स्वास्थ्य कर्मी की मौत का मामला सामने आया। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक युवक की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक युवक स्वास्थ्य कर्मी बताया जा रहा है। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों ने समोदा नगर पंचायत CMO केशवराम साहू भी शामिल है। बता दें कि CMO केशवराम साहू की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। दरअसल घटना गरियाबंद के फिग्नेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंदर गांव की है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ नेम सिंह ध्रुव की मामूली बात को लेकर समुदा नगर पंचायत CMO केशवराम साहू और उनके साथियों से विवाद हुआ, जिसके बाद केशवराम साहू और उनके साथियों ने युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई से नेम सिंह बुरी तरह घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस दौरान इलाज के दौरान युवक ने अपना दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक युवक दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए गांव आया था। जांच में जुट गई। केशवराम साहू जी कौन है? वो अधिकारी है वो। ये सब परिवार मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया। मैं वो कड़ा पहनता है, उसको कड़ा में वार किया है। जब मैं PM के देखा तो यहाँ पर अभी भी निशान मौजूद है उसके में, सीना पे सबसे ज्यादा वार सीना पे किया हो, कड़ा को निकाल कर कड़ा पे वार किया है। यदि उनके पर किया है तो उनके पर कार्रवाई हो आरोपियों पर। केशवराम साहू जी कौन है? वो अधिकारी है वो। ये सब परिवार मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया। आपका राज्य आपकी खबरों में। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC News।